रायसेन गैरतगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। फिर चला मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह मामा का बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला रायसेन के 18 किलोमीटर दूर ग्राम इमलिया का है, जहां 5 गौवंश की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों के मकान पर 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से जमी दोह किया। रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम इमलिया में 5 गांवों की हत्या के बाद आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें 3 आरोपियों को मकानों को 3 जेसीबी मकानों के द्वारा जमी दोह किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि विगत 26 अप्रैल को ग्राम सेवा सनी में 5 गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को नामजद किया था, जिसमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया था। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। तीनों आरोपियों के परिजन को नोटिस देने के बाद आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों के मकानों को जमी दोह किया। वहीं इस मामले में से 7 में से 3 आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं, जिनमें से 1 आरोपी सागर जिले के राहतगढ़ का है। वहीं पर मौके पर जिला प्रशासन की पूरी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने कहा है कि गोवंश हत्या के मामले में इन दोषी पाया गए थे, उनके बाद उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अपर कलेक्टर आदित्य छारिया ने कहा है, आरोपियों ने शमशान की भूमि और पठार पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाए थे, जिनको आज जमींदोह किया गया। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। करीब 5 गोवंश की हत्या की गई थी। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके बाद उसे अनुसंधान में लिया गया। विभिन्न साक्ष्य के आधार पर इमलिया गांव के 4 बदमाश इस घटना में शामिल होना पाया गया है। उन सभी की गिरफ्तारी की गई है। जब उनके मकानों का परीक्षण किया गया तो ये पाया कि उनके मकान के अधिकांश हिस्से शासकीय ज़मीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए थे। कल तहसीलदार ने उनको नोटिस दिया था और 24 घंटे का समय दिया था ताकि वो इस दौरान अपना सामान हटा के और मकानों को खाली कर दे, लेकिन उनके द्वारा सामान तो हटा लिया परंतु मकान खाली नहीं किए गए थे। आज चेतावनी देने के बाद में उनके अवैध अतिक्रमण से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया है।